फेस फाइल की रेसिडेंसी का ना बराबर है ना, ये अपना रोड है गाड़ी जहाँ से ऊपर आई बराबर। ए लाइन कौन सी है? ये ए लाइन, ये इसमें सब सोल्ड आउट हो चुका है। हाँ, ये बी लाइन है, बी लाइन में एक 1 RK नदी में एक 2 BHK बराबर, उसके बाद सी के अंदर एक 1 BHK और एक जो है डी के अंदर गार्डन प्लॉट है, गार्डन 2 BHK के साथ 300 स्क्वायर फुट जो अपन टेबल पे बैठ के चाय पी रहे थे उसके बाद वाला बराबर बराबर ना। तो ये इस तरह से ऐसा आगे गार्डन आएगा, 300 स्क्वायर फुट का गार्डन है, लिखो 300 बराबर ना। ये भी अच्छी चीज है, जैसे इसमें ज्यादा नहीं बचे, चार ही प्लॉट बचे, चार ही प्लॉट है, इसको 2 BHK चाहिए, 2 BHK लो, 1 BHK 1 RK गार्डन, यानी सब में एक एक ऑप्शन बचा हुआ है, सोसाइटी पूरी खत्म होने आई है ना। चलेगा ये डाल देगा उसके अंदर अपडेट के अंदर में, और ये रेडी में मिल जाएगा नदी में, ऐसा नहीं कि अभी बनने वाला है बराबर, 90% सब पूरा काम हो चुका है, जिसको रेडी में चाहिए अपना एक 8-15 दिन के अंदर पोजीशन मिलेगा। ठीक ठीक चलो। वेलकम टू लक्की डेवलपर दोस्तों, लक्की डेवलपर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग आए हैं नेरल, नेरल फेस 5 लक्की रेसिडेंसी। तो शाहिद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत दिनों बाद। व्हाइट ऑन व्हाइट पे भाई, क्या व्हाइट कॉलर व्हाइट चाली हाँ, और व्हाइट धंधा, व्हाइट धंधा व्हाइट पीपल के साथ। तो भाई लोग, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, रमजान जो आ रहा है उसके तालुका से हम लोग आप लोगों को जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं, और इस मौके पे जो है इंशाल्लाह काफी रोजे काफी नमाजें पढ़ी जाएगी, काफी रोजे रखे जाएंगे, इबादत की जाएगी माशाल्लाह। तो इसके मौके पे जो हम लोगों का आना जाना भी जो है बहुत कम हो जाएगा, वांगनी है, भिवंडी है या फिर नेरल है, इसके लिए आज आप लोगों को मैंने सुबह वांगनी का भी अपडेट दे दिया, टिटवाला का भी दे दिया हूँ, और ये जो है नेरल का अपडेट आप लोगों को फेस 5 का लक्की रेसिडेंसी का मिलने के लिए जा रहा है। तो फेस 5 के अंदर यहाँ पे माशाल्लाह 4 से 5 फैमिलीज आ गई रहने के लिए, और काफी लोगों का यहाँ पे जल्द से जल्द पोजीशन होने के लिए जा रहा है। शायद मैं बता दूं, बहुत से लोग जो है छुट्टियों के बाद ही आना चाहते हैं, वेकेशन होम के हिसाब से ही रखा हुआ है लोगों ने बराबर, और जैसा बहुत से ऐसा प्लान है कि भाई जो नए साल की स्कूल खुलेगी तब वो आके इंशाल्लाह शिफ्टिंग लेंगे। तो स्कूल का जरिया है यहाँ पे, स्कूल का जरिया तो बहुत है नदी में, यहाँ से हाईवे जो है यासीन भाई अपना 1 किलोमीटर के दरमियानी है, और स्कूल की बस आती है बाकायदा, कॉलेज भी है, दिलकप कॉलेज है इंटरनेशनल, और अपना उर्दू स्कूल भी है, इंग्लिश स्कूल भी है, तो और हाईवे पे भी मतलब ऐसा हाजी लियाकत स्कूल है। अच्छा, उर्दू मीडियम से भी है, हिंदी मराठी से कॉलेज भी है, जेनी तुलिप्स करके है। अच्छा माशाल्लाह, ICSE भी है, SSC भी है, तो हर चीज की फैसिलिटी, एजुकेशन का तो माशाल्लाह यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, काफी मतलब काफी क्लासेस कॉलेज वगैरह काफी है, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है क्या, ये नेचुरल है यहाँ पे सब चीजें, ये नेचुरल है नदीम भाई। बम्बई से क्या आदमी कंटाल के दूर भागता है तो सोचता है कि भाई मेरे को बंगला वाला फार्म हाउस लेना है। हाँ। लेकिन अब बंगला और फार्म हाउस लेने के लिए नदीम भाई ऐसा बजट भी चाहिए, पैसा बजट भी चाहिए, 50 लाख 1 CR का ऐसा बजट जाता है। तो हम लोग ने ऐसा चालू किया कि भाई बंगले की जो प्लॉटिंग है वो एतराफ में हमने ऐसी जगह ढूंढ के निकाली कि लोग अपना बंगले का मजा जो इसमें, बंगले का मजा आपको जो है वो चौल में मिलेगा, लेकिन चौल भी जो है आपके बंगले से कम नहीं है, क्योंकि ये 10 घंटे का प्लॉट हमने लिया है, बाजू से खुला हुआ है। अभी क्या शाहिद भाई, इसमें भी 10 घंटे का एक आदमी दो आदमी परचेस नहीं कर पाता, नहीं कर सकते बराबर ना, इसको देखते 5-6 लाख रुपया घंटा, यानी 60-70 लाख का तो खाली प्लॉट हो गया, 10 लाख के अंदर ही आ जाता आपको रूम, 10 लाख रुपए के अंदर ही 2 BHK का आपको आराम से जो है बैठी चौल के अंदर घर मिल जाता है, ऊपर का पत्थर हटा करके आप कभी भी जो है ऊपर डबल भी बना सकते हो। चाली के अंदर जो है माशाल्लाह 8 से 9 फीट का पैसेज मिलता है, जो की आसानी से आप देख रहे हो पीछे बाजू, आराम से दो दो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे फैमिलीज रहने के लिए आ चुकी है। ये मुंबई से शायद भाई, बॉम्बे से है ना, ये भी बॉम्बे से। तो ये जो ABCD ऐसी 3-4 चाली बनी, चाली है, चार चाली पूरी कंप्लीट हो गई है, अंदर का जो काम इंटीरियर का भी वो चल रहा है लोगों का, फिलहाल ये यहाँ पे लोग रहने आ चुके हैं। तो बस एक नंबर मजा आ रहा है, क्या एकदम ठंडा इलाका लग रहा है, इतनी गर्मी। हम लोग अभी दूसरी जगह खड़े थे, जैसे वांगनी साइड में थे हम लोग,
वहां से जब रस्ते से आ रहे थे बहुत धूप लग रही तो काफी ज्यादा छटका जैसा लग रहा था, धूप लग रही थी। ऊंचाई पे यासीन भाई काफी ऊंचे ऊंचे पे हम लोग, ये ऊंचे पे है ये, और ये देखिए ये लोग आ गए मुंबई से रहने के लिए, लोग ये फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। एक ये लोग आ गए और एक वो यही लाइन में कॉर्नर में आप देख रहे हो अफजल भाई करके बॉम्बे से, वो भी आ चुके हैं। मतलब ये लाइन में दो फैमिली और पीछे के लाइन में दो फैमिली रहने के लिए आ चुकी है। ये अपडेट देने का मतलब ये है, अगर आप लोग जैसे बहुत से लोग सऊदी दुबई से बुकिंग किए, बहुत से लोग मुंबई से, जो लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है, ये उन लोगों के लिए अपडेट जा रहा है, ताकि आप लोग इरादा बना लीजिए आने वाले वक्त में, जैसा भी आपका पेमेंट रहेगा तैयारी बना लीजिए और पेमेंट दे करके आप अपने घर की शुरुआत कर लीजिए। तो ये इनको जो है गार्डन रूम मिला हुआ है, यानी ये गेट खुलेगा तो इनको पीछे जो है सेपरेट गार्डन भी दिया हुआ है शहीद भाई, बराबर। कितने स्क्वायर फीट का गार्डन भी दिया हुआ है, तकरीबन 300 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट का, 300 स्क्वायर फीट का इनको ओपन पैसेज भी दिया हुआ है, यानी 2 BHK घर के साथ में ओपन पैसेज भी दिया हुआ है। बीच का खुला हुआ दिखा सकते हैं क्या? बीच का खुला हुआ है ना, एक खुला हुआ है, मेरे ख्याल से ये बचा हुआ भी है शहीद भाई, ये रूम बचा हुआ है एक्चुअली, कोई पार्टी में लिया था ये गार्डन पैसेज, ये बचा हुआ भी है, फिर अपने पास मैंने इसमें ले लिया, तो वो हिसाब से ये रूम वापस आया है। ये पैसेज है, ये देखो दरवाजा है यहाँ से शहीद भाई, वो साइड से पैक है, हाँ तो वो साइड से जाकर के खोलो शहीद भाई, बताते हम लोग। एक ये 2 BHK का जो है ये गार्डन रूम के साथ में है ये, यानी ये 2 BHK का आपको घर मिलता है और सेपरेट आपको गार्डनिंग करने का मिलता है। तो शायद भाई पीछे से जाके खोलिए उसको, काफी बेहतरीन चीज है। और ये फेस 5 के अंदर लक्की रेसिडेंसी के अंदर ज्यादा नहीं, अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 रूम अभी भी अवेलेबल है, बिल्कुल रेडी टू मूव। अगर आपको इस तरीके पे लेना है जैसे ये रेडी टू मूव के अंदर, तो आप लोग जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो 4 से 5 रूम ही बचा है वो मैं प्लान के अंदर आप लोगों को बता दूंगा, आप प्लान देख लीजिए और प्लान के अंदर जो भी रूम खाली रहेंगे आप शाहिद भाई से कांटेक्ट कीजिए। इसकी बुकिंग अमाउंट हमने जो है वो 11,000 रुपया रखा है, डाउन पेमेंट 50% पे आपको जो है आपका जो है पूरा वर्क फाइनल हो जाता है, 75% पे आपको पोजीशन मिलता है, और 25% जो बचेगा वो आपको पेपर वर्क पे देना है, यानी 100% एकदम क्लियर। क्या नेचुरल हवा आ रही है यार, जबरदस्त। बता दूं मैं, यहाँ पे साइड पे कंपाउंड भी मारा हुआ है, ये पूरा जो है चैन जाली करके दिया हुआ, देखिए ये पूरी सोसाइटी को चैन जाली मारा हुआ है, ये चैन जाली यहाँ की पब्लिक, वहाँ की पब्लिक, यहाँ सेपरेट चैन जाली मारा हुआ है, और ये 10 घंटे को बाकायदा पूरा कंपाउंड से घिरा हुआ है, यानी कोई भी बाहरी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा। और आपको मैं बता दूँ, चौल को भी जो है वो सेपरेट रास्ता है, जो कि बाकायदा पूरी मेरी कार जगह तक आइए आइए आपको बताता हूँ। खोले शाहिद भाई ने रखा क्या? ना खोल ये तो खोले, ये क्या ऐसे भी खोले ना, यहाँ से नहीं ऐसे खोले ना, चालू रखो। तो ये इन्हीं के साथ में इन्हीं को ये दिया हुआ है पैसेज, देखिए चैन जाली यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये पूरा चैन जाली लगाया हुआ है। आइए असीन भाई, ये देखिए लोग गार्डनिंग के हिसाब से किए लोगों ने, यानी याद आ गई भाई, हमारा बैकयार्ड ऐसे ही होता था लेकिन थोड़ा बड़ा होता था, सही लग रहा ना, सब गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी शायद भाई इधर आइए ना यासीन भाई, थोड़ा पीछे से कवर कीजिए। तो ये 2 BHK का है, ये 2 BHK के साथ में जो है इनको जो है एक अच्छा खासा आंगन मिल चुका है। बैठो शाहिद भाई, चाय पिलाता हूँ तुम्हारे को, यहाँ पार्टी क्यों कर सकते हैं, हाँ पार्टी कर सकते हैं छोटी मोटी, हाँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 BHK का घर है, 2 BHK के साथ में इनको चैन जाली करके दिया है, वॉल कंपाउंड करके दिया है, मतलब ये गार्डनिंग हिसाब से। इन लोग से ही पूछो ना, बच्चे लग गए इनको तो कोई नहीं सिखाया नहीं, कैसा लग रहा है बेटा इधर आके? अच्छा लग रहा है मुझे, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, जाने का दिल नहीं करता ना यार। तो अब क्या बोलेंगे, जो आके जो लोग यहाँ मजा लेना चाहते है तो पहले चीज देखिए खरीदिए, उसके बाद चीज। और अभी भी मैं बता दू, ये गार्डनिंग के साथ में एक रूम अभी भी इसके अंदर खाली है, खाली है, जो कि 2 BHK के साथ में इसी के बिल्कुल बाजू वाला, बिल्कुल रेडी में है, और रेडी टू मूव रूम है, अगर किसी को लेना हो तो ये मैं बता दू 11,25,000 रुपए के अंदर विद रजिस्ट्रेशन, यानी पेपर के साथ में 11,25,000 रुपए में 2 BHK का रूम और प्लस
ये गार्डनिंग के साथ तो बंगले बने यासीन भाई, बता दे रहे पूरे पूरे बंगले बने हुए यार, वो नीचे हम तो ऊपर है, चारों तरफ माउंटेन व्यूज है, पूरा ग्रीन। बता दूं मैं, नेरल जो है माथेरान एक टूरिस्ट पॉइंट है, यानी टूरिस्ट एक हब है यहाँ पे, चारों तरफ आप देखेंगे तो माथेरान हिल स्टेशन है। ये मैं बता दूं मुंबई महाराष्ट्र रायगढ़ जिला के अंदर आता है ये, और कर्जत तालुका, कर्जत जो है एक स्टेशन है, कर्जत का नाम आपने सुना होगा, उससे पहले आता है नेरल स्टेशन। नेरल स्टेशन को आपको उतरना है वेस्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बाहर निकलना है, बराबर। बाकी पिकअप सर्विस हमारी, पिकअप ड्रॉप है हमारी गाड़ी, यहाँ तक का साइड का एड्रेस बताइए शायद भाई। ये अपना मौजवाड़ी पड़ता है, मौजवाड़ी प्रॉपर में, हाँ, और आनंद रिसोर्ट करके, आनंद रिसोर्ट के बिल्कुल बाजू में है मौजवाड़ी, मौजवाड़ी नेरल वेस्ट, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के आप कॉल कीजिए। तो मुंबई से मैं समझता हूँ कि 1-1.5 घंटे की दूरी पे, 1.5 घंटे की दूरी पे, 1.5 घंटे की दूरी पे, 5 मिनट में, बस 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 मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पे है, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है, काफी ठंडा और साइलेंट इलाका है, है। और आप लोग कोशिश कीजिए आकर के रहने की, जिनके पास नदीम भाई जैसा बड़ा बजट नहीं है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख से ही शुरुआत की, 10-12 लाख लुप्त उठाया था, काय को 10 लाख से, मैं बोलता 5-5.5 से करो ना, 1 आर के भी वन आर के ले लो, ऐसा गार्डन चाहिए तो, गार्डन फेंसिंग चाहिए तो बारबेक्यू करो आराम से। चलो हम लोग बाद में करते आते बेटा, बताया सिंह बंगले सब बारबेक्यू करेंगे, अभी मुर्गी तो हम लोग ने ले ली ले, गाउटी हम लोग ने भी गाउटी मुर्गी ले ले। तो अभी ये चाली तो हम लोग ने कवर कर लिए, ठीक है, ये चाली तो आपने देख लिया, कवर कर लिए। अभी आगे की जो है, अभी तो हम लोग ने जो ए बी सी डी, यानी जो है सी और डी हम लोग ने कवर कर लिए, अभी ए और बी के अंदर हम लोग चलेंगे, वहां का भी आप लोगों को काम का अपडेट देंगे, वो भी दिखाएंगे। ये पूरी वीडियो होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे फेस 6 के ऊपर, जहां पे नया काम शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों के पास डाउन पेमेंट नहीं है तो आप बुकिंग करके थोड़ा थोड़ा पेमेंट चलाना चालू कीजिए, वो पूरी साइट खत्म होते होते 1.5 साल यानी साल के ऊपर ही जाएगा, आराम से पब्लिक जो है सहूलत के हिसाब से वो कवर हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि इनको 1.5 साल 2 साल तक का भी टाइम मांगता है, तो वो लास्ट तक का बुकिंग रखिए अपनी कंटिन्यू, बराबर, वो पेमेंट चलते रहिए। 70% हुआ तावल, आपको लोन करने की जरूरत नहीं, ब्याज पे पैसा लाने की जरूरत नहीं, और कोई बड़ा डाउन पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। फेज 6 पे अपना काम चालू है, रेडी टू मूव रूम मांगता है, डायरेक्ट रेडी रूम मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, आइए। तो ये रही ए और बी है ना शायद भाई, ए और बी, ये नमस्कार भाई, नमस्ते, कभी आलो कभी आलो तुम्ही 8 दिवस झाला का, हा ना, बर आहे ना तुम्ही, हा ना, ते ऑपरेशन करायचं आहे, हा का, कुठे राहिला तुम्ही मुंबईवरून? चेंबूर मध्ये राहतो का तुम्ही, कुठे चेंबूर मध्ये, कुठे चेंबूरच, हा का, मग आता पूरी फॅमिली आहे का तुम्ही? फॅमिली म्हणजे आम्ही 3 जण आहे, हा ना, चला मोठा मुलगा हा ना रवालेला का, असं अपडाऊन करतो का तू? नाही तिकडे राहतो ना तुम्ही, चला बरं आहे ना तुम्ही। तो ये मुंबई से जो है चेंबूर से देखिए ये भी आ चुके हैं, बाकेदा ए और बी चौल के अंदर जो है इनका भी पोजीशन हो गया है, ते पण राला है लोग तो, हाँ ये दोनों यहाँ नहीं होते दो, अच्छा ये दोनों, हाँ, मतलब टोटल मिला करके यासीन भाई जैसे कि बताए थे अपन ने यहाँ पे 4 से 5 फैमिली रहने को आ चुकी है, ठीक है। ए चौल के अंदर जो है 2 फैमिली है और ये मुंबई चेंबूर से, ठीक है, ये भी जो है यहाँ पे आ गए रहने के लिए, गोवंडी ना, हाँ ते है ना, ते चेंबूर जवड़ जवड़ है ना, तो ये भी आ चुके हैं बाकेदा। कैसा रहने के लिए, अच्छा लग रहा है, सुकून है ना, ठंडी हवा है, ठंडी हवा है तो आते होईल होईल आस्ता आस्ता होईल, आता काय राहिले आले ना थकले, होईल होईल। तो ये इसमें कितने रूम बचे शाहिद भाई? इसमें 2 से 3 रूम है, ज्यादा नहीं है नदीम भाई, जो अपना गार्डन रूम है वो सबसे अच्छी बेहतरीन चीज है, वो एक गार्डन रूम तो बचा हुआ है, और 2 रूम ऐसा अपने पास 1 BHK 1 RK का ऐसा मिल जाएगा,
हो जाएगा ना, बाकी सब तो सोल्ड आउट हो गए। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि 1 RK 1 BHK काफी मतलब कम ऐसे है कि यहाँ पे जो है 1 RK 1 BHK अभी तक के रुके हुए, लेकिन जो भी रुके हुए शाहिद भाई आप लोगों को अच्छे से गाइड्स करेंगे कि इसके अंदर कितने रूम अवेलेबल है। थोड़ा सा जरा इनके रूम का एक ताई 1 BHK गए हो, 1 RK ना, ये देखो ये 1 RK गए, इसमें जो सीलिंग वगैरह सारा अंडर टॉयलेट बाथरूम और अभी कॉर्नर है शाहिद भाई, कॉर्नर है, कॉर्नर इनको 1 RK मिला हुआ है। बाकायदा यहाँ देखोगे ना तो इधर पे 1 BHK किधर 2 BHK इस तरीके सारी चीजें निकाला हुआ है, ठीक है, 1 RK 1 BHK 2 BHK के इस तरीके से निकाला है। और काम भी अच्छे तरीके से नदीम भाई सब पूरा कंप्लीट किया हुआ है, बता दूं मैं, चेकर्स लादी भी देखिए बैठना चालू हो चुकी है, मैंने ऑलमोस्ट ये फाइनल फेज में है, एक्सेप्ट जो नट्टा है 10 या 20% काम बचा हुआ है, बस। पहली बात तो लोगों के लिए अच्छा है कि शाहिद भाई डायरेक्ट मतलब कोई चीटिंग नहीं है, डायरेक्ट रेडी मिल रहा है, है ना। आ जाओ शाहिद भाई, आ जाओ, नहीं रहने को आए क्या, मेरे को क्या बेहतरीन लग रहा है, ये देख रहा अभी सेफ्टी डोर है, अच्छा लग रहा ना ब्लैक, तो बोला ब्लैक डालो, ब्लैक डालते हैं ऐसा, व्हाइट पे ब्लैक उठ के आएगा। तो इस तरीके से जो है अपनी वाग्नी के अंदर आप जो देख रहे हो हम लोगों की जो कंटिन्यू काम चल रहा था उसका भी जो है अपडेट मिल रहा है आप लोगों को। और ये जो है जबरदस्त है यार, कितना बड़ा बड़ा एरिया ना, एकदम पोजीशन के लिए रेडी है ये, जैसे हम अपने काम की तारीफ करेंगे तो हर बार अच्छा नहीं लगता है, जो जो अगर विजिट करता है सामने आप आके देख सकते हैं किस तरह से काम किया हुआ है, सीलिंग से लेके पूरा कलर फ्लोरिंग तक का सब मतलब क्वालिटी के अंदर है, पानी की टाकी टॉयलेट बाथरूम अलग अलग, अब बेडरूम का साइज भी काफी अच्छा बड़ा है, देखो ना शायद और ये मैं खिड़की खोला सामने माउंटेन माथेरान हिल स्टेशन, पता हसीन भाई जरा देखो ना, कई लाखों रुपया लोग रहे नदीम भाई ये चीज पे खर्चा करते है ना, सामने माथेरान कई लाखों रुपया खर्चा करते ये चीज देखने की नहीं मिलती यार वाकई में, सुबह सुबह माउंटेन का मतलब ये सूरज, अरे वो खुद बता रहे ना जो आए रहने के लिए है ना, क्या कितना अच्छा सुकून है, सब ठंडा इलाका है। तो शायद भाई अभी जाएंगे अपन फेस 6 का भी अपडेट देते, फेस 6 का भी देते हैं बहुत जल्दी, वहां पे एक बुकिंग भी रखेंगे, ये 10 घंटे के अंदर सबसे छोटी साइट है लक्की रेसिडेंसी नेरल के अंदर, जो हम लोग ने 10 घंटे पे सबसे छोटी साइट, इससे छोटी नदीम भाई की हम लोग ने सोचा था कि भाई बंगले के हिसाब से कोई स्टार्ट करे, हां मिल नहीं रही थी, हमने सोचा कि छोटी साइट मिली तो चलो इस पे कम से कम छोटा फ्लोर मतलब प्रोजेक्ट बनाते चाल पे, जो कि बंगलों के लिए लोग बंगले के लिए भी एंजॉय कर सके, बराबर। लेकिन अभी अपन ने इसको क्या करे चाल में कन्वर्ट किया ताकि लोगों का बजट बन जाए और लोगों के घर भी हो जाए, घर भी हो जाए, और ऐसे बंगले की जगह पे हम लोग ने जो है वो चाल का प्रोजेक्ट लाया आप लोगों के लिए। तो अभी चलते डायरेक्ट फेज 6 के ऊपर, अगर वीडियो